उसका माने नकली चेला भी है बाजू वाला से पूछो आप असली है कि नकली है ओके, okay, ओके। okay, मती अट्ठाइस उसकी अठरा अमेन हाल लुह मती अट्ठाईस उसकी अठारह यीशु ने उनके पास आकर कहा। यीशु ने चेलो लोग के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार सारा अधिकार मुझे दिया गया मुझे दिया गया है इसीलिए इसीलिए तुम जाकर तुम जाकर सब जातियों के लोग सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ क्या बनाओ जोर से बोलो चेला बनाओ परमेश्वर चाहता है कि सारा लोग चेला बने आई हमारा काम हम चेला कितना लोग बोलता है मैं चेला हूँ कमन जोर से बोलो ना चेला के बोलो ना मैं चेला हूं हमेन और हमको प्रभु जिम्मेदारी दिया है कि सारी जाति जाति के लोगों को परमेश्वर का चेला बनाओ हमेन हेलो हमारा काम वही है सबको राम को चेला बनाओ मुस्तफा को चेला बनाओ अंतोनी को चेला बनाओ हमेन हमारा काम वही है जब आप वो करेगा बाकी आपकी हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा हम रोटी कपड़ा मकान के पीछे नहीं यीशु के पीछे जाकर सबको चेला बनाएगा रोटी कपड़ा मकान मेरे पीछे आएगा है hey, कोई मेरे साथ क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं सच्चा चेला उसका मतलब कितने तरह के चेले हैं? हीरो है? सुबह आया ना <laughs> ओके तीन तरह के यौहन किताब को पढ़ेगा तो तीन तरह के चेले कई तरह के चेले हैं कई चेला कौन है विश्वासी विश्वासी कौन है जो यीशु के पीछे चलते हैं ओके कितना लोग यीशु के पीछे चलते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना हटूंगा पीछे ना हटूंगा पीछे ना हटूंगा ना बीछे कितने चेले हैं? मैं आज तीन तरह के चेले के बारे में बताना है। कितने लोग तैयार हैं? पूछो आज कौन सा चेला है आप पहला है दूसरा है या तीसरा है ओके okay? पहला चेला हमें युदा स्क्रिय था कितने लोग को मालूम है युदास कौन है जोदास यीशु मसीह चुना हुआ चेला था वो साढ़े तीन साल यीशु मसीह के साथ चला यीशु के साथ उसका सारा पैसा संभालते थे और तीस सिक्का के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिए, और क्या किया पश्चाताप करके जाकर आत्महत्या कर दो, का, दो के बाद चेला जोर से चे बोलो कौन सा चेला हलो कई लोग है यीशु के पीछे चलते हैं पर प्रभु को भी धोखा देते हैं लोगों को भी धोखा देते हैं बाजू वाले से पूछ तो अब तो नहीं है ना अमेरन yes. कौन है वो वो प्रभु के राज्य के लिए नहीं है वो नरक चला गया साढ़े तीन साल यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति यीशु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए कहां पड़ा है नरक में कितना लोग सुन रहे हैं अगर यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाते तो आपका जीवन शून्य भाई आप कहीं का नहीं घर का ना घाट का कता तो लोग सुन रहे जोर से बोलो मैं जीवदास नहीं हूं मैं यीशु को उठाने वाला हूं मैं यीशु को सबको बताने वाला हूं हेलो लोहिया ओके दूसरा व्यक्ति दूसरा चेला वो भी यीशु को स्वीकार किया वो भी बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है पर वो फिफ्टी फिफ्टी है जैसा फिफ्टी फिफ्टी बिस्किट है फिफ्टी परमेश्वर में फिफ्टी दुनिया में संडे यीशु मेरे लिए अच्छा यीशु मेरे लिए कच्चा नहीं पक्का है भाई मंडे ट्यूजडे वेस्डे थर्सडे यीशु मेरे लिए कुछ नहीं दुनिया मेरे लिए सब कुछ वो फिफ्टी फिफ्टी है हेलो और फिफ्टी फिफ्टी को भी परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं हेलो जोर से बोलो मैं सौ टका प्रभु के लिए हूं और तीसरा सच्चा चेला अच्छा चेला वो परमेश्वर से भरा है वो परमेश्वर का प्रेम से भरा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए चलता है वो उसका ज्योति है हेलो कितना सच्चा चेला है उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास चेला उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास विश्वासी वो खट्टर है भाई से बोलो वो कट्टर है।, है उसको कोई हिला नहीं सकता वो उसके समान है जहां पर चट्टान पर उसका घर है वो कभी भी हिलता नहीं क्योंकि वो चट्टानीश मसीह से संभालेगा हाला है कोई मेरे साथ आई मती सोला उसका सोला सॉरी मर को सोलह सोलह मर को सोला विश्वास करे और उसी का उद्धार होगा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा परंतु परंतु जो विश्वास न करेगा जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाए दोषी ठहराया जाएगा ह और विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे नई नई भाषा बोलेंगे नई नई भाषा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको तो भी उनको कुछ हानि न होगी कुछ हानि न होगी वे बीमारों हाथ रखेंगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे वे चंगे हो जाएंगे हालेलुया सच्चा विश्वासी सच्चा चेला सच्चा भक्त सच्चा यीशु का बेटा अमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता 67 उसका दो सड़तीस सड़सठ हाँ सिक्सटी सेवन दो एक और दो पढ़ेंगे परमेश परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे परमेश्वर हम पर अनुग्रह सच्चा चेला हर रोज बोलेगा परमेश्वर आपके अनुग्रह मुझ पर हो मैं जो भी हूं आपके अनुग्रह और हमको आशीष दे और हमको आशीष दे वह अपने मुख का प्रकाश चमकाए परमेश्वर उस सच्चे चेले पर परमेश्वर का मुख चमकाएगा परमेश्वर का तेजस मेरे ऊपर होगा सच्चा चेला परमेश्वर की तेजस लेके जाएगा वो जहाँ भी जाएंगे लोग उत्साहित होगा, क्योंकि परमेश्वर का भक्त है वो परमेश्वर से भरा है। क्या लिखा है परमेश्वर का तेजस वह हम पर वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा जिससे तेरी गति जिससे तेरी गति पृथ्वी पर परमेश्वर की गति परमेश्वर की राज्य पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार और तेरा किया हुआ उद्धार की सा, कार्य सारी जातियों में सारे जातियों में जाना जाए हाँ वो सारी जातियों को परमेश्वर की राज्य में लेके आएगा क्योंकि वो जानता है मेरा यीशु मसीह सारी जातियों के लिए अपना लहू बहाया कुर्बान हुआ ताकि वो सब यीशु को जाने वो डरेगा नहीं वो धैर्यशाली होगा वो जिससे मिलेगा सबको यीशु का नाम बताएंगे कितने लोग आज से सबको नाम सबको यीशु का नाम बताएंगे वो है वर्ल्ड क्लास बिलीवर वो है उत्तम विश्वासी वो है उत्तम चेला जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहे परमेश्वर उससे बोलेगा कर मैं तुझे इसके लिए बनाया हलो लोहिया कितना लोग सुन रहे Amen. दूसरे लोग जो होता है हमेशा देखो पचानवे टका लोग विश्वासी लोग हमेशा खुद है। मेरा क्या होगा? मेरा काम अच्छा होगा अ, मेरा परिवार अच्छे होंगे मेरे बच्चों को संभाल हेलो लोहिया हम हमेशा एक ही बात मैं 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 किसी को बोलो बकरा तो नहीं है सिर्फ मैं कितने लोग आज से बात मैं नहीं मेरे से मिलने वाला सब आशीष पाएंगे हेलो परमेश्वर उसको दे वो सच्चा चेला है वो खुद तो आशीष है वो दूसरों को आशीष दिलाएगा हेलो लोहिया रही कितने लोग सुन रहे अपने ऊपर का फोकस निकाल कर अपना फोकस प्रभु पे लगाए अपने फोकस प्रभु के लोगों पे लगाए अपना फोकस अन्य जातियों पे लगाए ताकि वो प्रभु के पास आए तो लोग करेंगे Amen. सच्चा भक्त वो अपना फिकर नहीं करेगा वो प्रभु का फिक्र करेगा प्रभु का दिल क्या चाहता है प्रभु का दिल क्या चाहता है कि कोई नाश ना हो आपको जिधर रखा है उधर सबको यीशु का नाम बताएंगे जब आप बताएगा आप पक्का आशीष पाएगा जब आप बताएगा आपकी दिल की मुरादों को प्रभु पूरा करेगा हलो स्थिर होके जान लेकर मैं तेरा परमेश्वर तेरी मुरादों को मैं पूरा करूंगा प्रभु मेरा मुराद पूरा करेगा तो मैं प्रभु का मुराद पहला पूरा करने का प्रभु का मुराद क्या है आप जिधर रखा है परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर की राज्य फैलाए ये हमारे स्वर्ग पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आवे जिस तरह स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरा होता है मेरे जीवन में होने दे मैं जिधर जाऊंगा तेरी महिमा करूंगा मैं जिधर जाऊंगा तेरी राज्य को ले चलूंगा हमे हाल लोिया सुन रहे हमेन हलो वो हमेशा दूसरों की सेवा करेगा इश मसीह बोला मैं सेवा लेने के लिए नहीं मैं सेवा देने के लिए आया हूं हेलो हम सबको सेवा चाहिए सब पांव हाँ दबाओ हाथ दबाओ पैर दबाओ हेलो हमको सेवा चाहिए हमेन जो सेवा देता है वो मेवा खाएगा कमान जोर से बोलो सेवा देने वाला मेवा खाएगा कितना लोग सेवा करेंगे <observing> <sia> <slinge> की की हमेशा पर रहेगा उसका मिश्र ने किया प्रभु मुझे धरती में रखा जो प्रभु सेवा किया हम भी सेवा करेंगे हेलो लोहिया हम सबको मदद करेंगे गिरे हुए लोगों को उठाएंगे हलो लोहिया नशे में लोगों को बचाएंगे और प्रभु के पास लेके आएंगे हलो कितना लोग सुन रहे हैं। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं इस साल मैं कुछ नया करूंगा अमेन प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़े कार्य करना चाहता है क्या आप सेवा के लिए तात्पर रहेंगे हलो दूसरों के आनंद मेरी आनंद होना चाहिए अमेन हलो लोइया कितना लोग दूसरों के आनंद आपके आनंद समझेंगे आप जहां रहेंगे उधर फर्क लाने वाला अलगाव लाने वाला प्रभु की महिमा करने वाला व्यक्ति हलो लोहिया जहां भी रहेगा हम डिफरेंसली हम दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं हम दूसरों को प्रभाव करते हैं हमारी बच्चे बाहर जाएंगे वो गाली सीखेंगे नहीं वो गाली देने वाला को यीशु के पास लेके आएंगे दूसरों को हम प्रभाव करेंगे हम जोर से बोलो हम दूसरों को हम दूसरों जैसा नहीं है दुनिया वाला जो करते वो नहीं हम प्रभु जो कहते वो करते हैं हलो लोहिया सारी मोबाइल्स को साइलेंट करो या बंद करो कुछ अद्भुत बात प्रभु करना चाहता है कितना लोग अच्छा चेला बनना चाहते हमें हलो लोहिया मोबाइल बंद करो अच्छा चेला बन जाए कितना लोग सुन रहे हैं लोहिया हर रोज वो उठते हैं सुबह और प्रभु से बोलते हैं प्रभु जी आज मुझे इस्तेमाल कर आज मुझे नए व्यक्ति के साथ नए दौर से नए टेक्निक से नए आइडिया से मैं उसको यीशु का नाम बताऊ हेलो लोहिया रही परमेश्वर अपनी राज्य के लिए उतावला है जो भी उसके राज्य के लिए कुछ भी, भी इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर तू एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार है लोहिया परमेश्वर हाँ कमन जोर सालिबी परमेश्वर अपनी राज्य के लिए उतावला है जो उसके राज्य के लिए कार्य करेगा वो धरती में तो आशीष पाएगा वो अनंतकाल आशीष पाएगा क्योंकि परमेश्वर अनंतकालिक परिवार को तैयार कर रहे हम और आप परमेश्वर का अनंत कालिक परिवार है आई इधर यूपी से बिहार से यूपी से कितने लोग हैं? यूपी से अरे यूपी कोई नहीं ओके okay, सुबह वाला यूपी भरा हुआ था ओके okay, महाराष्ट्र से किचा हमची मुंबई क्या बात आपके लिए जोर सितारे और कौन सा गुजरात टीम सोच चालू छे ओके प्रेज द लॉर्ड क्योंकि प्रभु एक आनंदकालिक परिवार को तैयार कर रहे हैं हालेलुया जोर से हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु आपने मुझे उस आनंदकालिक परिवार का सदस्य बनाया हालेलुया Praise the Lord. प्रेरितों के काम एक उसकी आठ क्यों अनंतकालिक परिवार को तैयार कर रहे क्यों तैयार कर रहे ताकि स्वर्ग में परिवार परमेश्वर की आराधना करेंगे देख देख कर हलो लोहिया चौबीस घंटा आराधना करने वाला इसलिए किसी को बोलो जब धरती में जब अब है हमेशा प्रभु की आराधना करो ह परंतु परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम यरूशलेम और सारे यहूदिया सारे यहूदिया और सारे सामरिया में सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे मेरी गवाह बनो हलो लोहिया थर्टी फर्स्ट को मैं कई को अभिषेक पूरा कलिशिया उठ गया है हलो लोहिया पता नहीं कितने लोग समझा सब सोचा होगा चंगाई के लिए बुला रहा भागो हलो खैर आप आया है जुड़े रहो जोर से बोलो मैं इवेंजलिस्ट हूं और मैं हजारों को प्रभु के राज्य में लेके आऊंगा हल लोहिया लॉर्ड आपके ऊपर अभिषेक है इसलिए यीशु मसीह लूक उसका चार उसके अठारह में लिखा है परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए अंधा देखेंगे लंगड़ा चलेंगे बहरा सुनेंगे गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे और प्रसन्न रहने का साल प्रभु घोषणा करेंगे ये साल हर रोज हर पल खुश रहूंगा जब आप खुश रहता है शैतान को चर्बी होता है शैतान को क्रि... क्या बोलते हैं कीड़ाबाजी होता <laughs> इसलिए आपके खुशी को वो खींचेगा आपके खुशी को वो एक सोच में आपको बदलना चाहते हैं पर आप टाना रहेगा नो no, मैं खुशी मनाऊंगा मैं जय के उत्सव में जाऊंगा शैतान भाग जाएंगे शैतान की सामना करो वो भागेगा कब जब आप आनंद करेंगे, परिस्थितियों में प्रभु की आनंद मनाओ प्रभु की गुणगान करो भजन करो गीत गाओ ताकि प्रभु की महिमा हो हलो जोर से बोलो ये साल एक दिन भी मैं निराश नहीं रहूं, हर रोज मैं खुशियां मनाऊ मैं मेरी परिवार के साथ मेरी खलिशिया के साथ मैं खुशी मनाऊंगा मैं आनंद में बढ़ूंगा एक सच्चा चेला कैसा सोचते हैं सच्चा चेला कैसा सोचते हैं ये जैसा जो से बोलो ना कैसे सोचते हैं इसलिए प्रभु का वचन कहता है ये मन यीशु का मन है मैं यीशु जैसा सोचता हूं मैं यीशु जैसा करता हूं मैं यीशु जैसा इसलिए आप मती मरको लूकोस योहनन पढ़ने का है तो यीशु जैसा करने का है तो यीशु की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का है किधर मिलेगा मती लुकोस योहनन योहनन लिखता है अगर यीशु मसीह की साढ़े तीन साल अगर रिकॉर्ड किया जाएगा दुनिया भर के किताब भर जाएंगे फिर भी कम है हम तो से ताली बजाएंगे। जो रिकॉर्डेड है वो बहुत कम है पर वही पढ़ो वो आज आज आप आशीष पाएंगे हेलो तो लोहिया कितना लोग हर रोज मती पढ़ेंगे मरकोस लुकोस यम पढ़ेंगे यशु का लाइफ स्टाइल है उसमें जब आप वो पढ़ेगा आपका जीवन कैसे होता है पहले आप सोचते हैं फिर आप बोलते हैं फिर आपका जीवन बनता है आपको जो भी चाहिए पहले आप सोचो दूसरा उसे बोलो तीसरा आपके दुनिया में वो उतरेगा। रहेगा लॉर्ड। बड़ा करने का बड़ा सोचो बड़ा बोलो और बड़ा पाएगा कौन सा भी चीज बड़ा हो कुछ भी हो आपको पाने के लिए पहले कई लोग बीमार है क्यों क्योंकि वो उसका सोच में बीमारी है और बोलता बीमारी और जीवन में क्या होगा बीमार होता है कर्ज वाला हमेशा सोचता कर्ज अब वो बोलता कर्ज के बारे में अब वो कर्ज में घुसे रहते हैं जो आप चाहिए उसे आप सोचो उसे आप बोलो वो आपकी जीवन हो जाएंगे इसलिए मैं कई बार बोलता हूं वापस बोलता हूं किसी को बोलो डायलॉग है कल जो मैं बोला था आज मैं वो हूं और आज जो मैं बोलेगा वो कल मैं होने वाला हूं हालाया इसलिए जो भी आप बोलता है सोच समझ के बोलो वचन बोलो मैन जो वचन बोलता है वचन परमेश्वर का वचन आकाश हिल जाएंगे धरती ठल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं ठलेगा मैन हाँ परमेश्वर का वचन शिया में लिखा है क्या लिखा है मेरा वचन जिस काम के लिए भेजा है वो करके ही आएगा पर किसके लिए करेगा जो सोचता है जो वचन बोलता है उसके जीवन में प्रभु करेगा हेलो है कोई मेरे साथ अमेन एक सच्चा चेला कैसा सोचता है परमेश्वर जैसा वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है वो सबके बारे में सोचता है वो कलिशा के बारे में सोचता है वो परमेश्वर के बारे में सोचता है।, है उसकी महिमा परमेश्वर की महिमा करना है हेलो लोहिया है कोई मेरे साथ क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं अमेन Alleluia, वो बच्चा जैसा नहीं वो मैच्योर्ड व्यक्ति है मैच्योर्ड बोलेगा शाना बन गया प्रेरित पावलोस बोलता है मैं जब छोटा था मैं बचपन जैसा बातें करता था जब मैं बड़ा हुआ मैं शाना जैसा बात करता हूं हमेन वो बुद्धि और ज्ञान से बात करेगा हमेन रेवल्यूशन गिफ्ट क्या है बुद्धि की बातें ज्ञान की बातें और आत्मा की परख हर व्यक्ति मांगो प्रभु जी मुझे आत्मा की परख दे मुझे बुद्धि दे मुझे ज्ञान दे ताकि मैं किसी से भी यीशु का नाम बताऊं वो यीशु को स्वीकार करे मुझे नया आइडिया दे हेलो जब आप उसे बोलेगा प्रभु आपके द्वारा जो आप सोचेगा प्रभु आपके द्वारा करेगा आप अगर सोचते हर रोज मैं दस व्यक्तियों को यीशु के बारे में बताएगा तो क्या होगा प्रभु आपको उसके लिए तैयार करेगा आपको कदम आप एक कदम बढ़ाएगा प्रभु दस कदम बढ़ाकर आपको आशीष करेगा क्या सुन रहे मैं किसी से बात कर रहा हमेशा प्रभु पर विश्वास करो हर परिस्थिति में प्रभु को इन्वॉल्व करो हमारा परमेश्वर इन्वॉल्व होने वाला परमेश्वर I mean? आपके काम में आपकी प्रार्थना इवन प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर आपके साथ देता है और आपको प्रार्थना करने नहीं आता पर मेरी आत्मा पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में क्या करता है बिलक बिलक कर प्रार्थना करने के लिए सिखाता है लो आज लोहिया पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करेंगे पूछो पवित्र आत्मा से आज मुझे ये दिन दिया परमेश्वर मैं आपके मुताबिक आपकी प्लान को पूरा करना चाहता हूं आप मुझे बता आई I मीन mean, हर रोज कान में यीशु का लहू लगाओ ताकि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने में यीशु लहू लगाओ ताकि आप पवित्रता को देखें हाथों में आप यीशु की लहू लगाओ जहां पर आपके हाथ पवित्रता की किरणें रेडिएट करेगा अगर सूर्य को परमेश्वर बनाकर सूर्य को लाइट और साउंड सॉरी लाइट और प्रकाश दे सकता है कितने अधिक मेरे और आपके द्वारा प्रभु ज्योति धरती में फैला सकते हैं वही परमेश्वर जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया वो मुझे बनाया ताकि हम उस सूर्य और चंद्रमा से बढ़कर ज्योति फैलाने वाला है है कोई मेरे साथ क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं हेलो लोिया आत्मिक बारों को आत्मिक जरूरों को आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो जा शरीर मौत देता है आत्मा जीवन देता है फिर भी हम रोटी कपड़ा के मीट कपड़ा रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते रहते भागते रहते भागते रहते भागते काम नौकरी कपड़ा मदद इसी के पीछे लगा रहे किसी को बोले छोड़ रहे ऐसे स्टाइल से बोले छोड़ रहे छोड़ ये बंधन है रोटी कपड़ा मकान रोटी कपड़ा मकान हेलो लोहिया आत्मा में आत्मा के पीछे भागो प्रभु आपको रोटी कपड़ा मकान देगा जो आंख देखा नहीं कान सुना नहीं मन में विचार उठा नहीं उस तौर से प्रभु देगा कितना लोग तैयार है लॉर्ड कितना लोग सुन रहे हम दूसरों को मदद करेंगे दूसरों को प्रभु के पास लाएंगे हर पल मौका ढूंढो कैसे ये व्यक्ति को मैं यीशु के पास लेके आऊ वो है सच्चा चेला वो है सच्चा भक्त कैसे मैं इस व्यक्ति को कट्टर व्यक्ति को मैं प्रभु के पास लेके आऊँ आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक सच्चा एक सच्चा विश्वासी या सच्चा चेला का सोच कैसा है यीशु जैसा जो यीशु किया हमको करने का किसी को बोलो कुछ नया नहीं जो यीशु किया हमको करने का सुबह उठ के अति भोर में 2:30 बजे उठ के प्रार्थना करते थे अति भोर को उठ के प्रार्थना करें इधर अति भोर को मोबाइल में देख ऑन कोई कोई दो तीन बजे तक स्टेटस ही देखता है स्टेटस आजकल रील निकला रील घुमाते रहते एक रील के बाद दूसरा रील दूसरा रील अब पूरा पिक्चर निकल जाता भाई सुबह अति भोर को उठकर यीशु मसीह रील देखते थे आ? सुबह उठ के मोबाइल को साइड करो नहीं चाहिए मोबाइल मुझे यीशु चाहिए मैं यीशु का सच्चा भक्त हूं मैं यीशु का सच्चा चेला हूं जब आप प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे ना इसलिए जब प्रभु प्रार्थना करके चेले लोग डकार मार के सोते हैं जाता बाहर जाता है अंधा देखता है क्या चाहिए तुम्हें मैं देखना चाहता हूं ले देख अंधा देखते थे लंगड़ा चलते थे बैरे सुनते थे गूंगे बोलते थे मुर्दे जी उठते थे आज क्यों नहीं होते क्योंकि यीशु का चेला लगा हुआ डब्बा में अच्छा जी प्रार्थना करो ना मैं इधर रील देखता हूं हलो कब तक एक जिंदगी है कब तक ये रहेंगे जोर से बोलो सच्चा चेला मैं सच्चा चेला हूं मैं यीशु मसीह जैसा देखूंगा मैं यीशु मसीह जैसा सोचूंगा मैं यीशु मसीह जैसा बोलूंगा और मेरा जीवन यीशु मसीह जैसा होगा यीशु मसीह अपना मकसद को पूरा किया नहीं हमें करने के लिए छोड़ के गया है मैं यीशु की मकसद को पूरा करूंगा हेलो जो यीशु चालू किया हम और आप उसे पूरा करेंगे कोई मेरे साथ सच्चा चेला सच्चा भक्त यीशु जैसा सोचेंगे हमेन कैसे एक व्यक्ति को एक दिन जाता है कैसे मैं एक दिन में एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेके आ हेलो लोहिया मुझे इधर अच्छा लगता है मनीषा पवर मनीषा पवन शुक्ल उनका साथ वो वो क्या सिस्टर का नाम दीपाली जब देखो वो साथ में आएंगे हेलो लोहिया ऐसा सब एक एक व्यक्ति को साथ लेके आएगा तो प्रभु की राज्य कितना बढ़ेगा और प्रभु कितना खुश होगा किसी को पूछो आपका एक दोस्त नहीं जो आप लेख सकते हैं एक रिश्तेदार ने, एक बंधु ने जो साथ में आ सकते हैं, हेलो लोहिया पर वो उसमें हम ध्यान नहीं देते अगर हम ध्यान देंगे अगर हम देखेंगे प्रभु करेगा बोलो प्रभु मेरे द्वारा करेगा चिल्ला के बोलो प्रभु मेरे द्वारा करेगा अवेन दूसरी बात हेलो लोहिया लोकली सोचना छोड़ो ग्लोबली सोचो लोकली कैसे बोलेंगे अपने अपने सोच स्थानीय जो दिखता है उन बातों को छोड़कर जो नहीं दिखता उन बातों पर विश्वास कर उन बातों को कर अले परमेश्वर मेरा ग्लोबल परमेश्वर है आज दुनिया वाला ग्लोबली आशीष रहा है अमेजॉन कौन जानते हैं अमेजॉन के बारे में इवन हमारा अम्मा अम्मा लोग भी ऑनलाइन भाई ऑनलाइन ऑनलाइन कहा पड़ा वो बंदा जब बयोस अमेरिका में कहीं इंडिया में आज कुछ भी खरीदने पहले अमेजोन को क्लिक करेगा उस व्यक्ति ने क्या सोचा लोकली नहीं ग्लोबली सोचा और वो जो आज सबसे अमीर व्यक्ति है हेलो लोहिया कितना तो लोग सोचेंगे जो सोच छोटा सोचेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा जो बड़ा सोचेगा उसे बड़ा मिलेगा से बड़ा सोचेंगे। इसलिए प्रेरितों के काम एक उसके आठ में लिखा है क्या लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे, तुम पाओगे। जो इधर सब सामर्थ पाए पाए सामर्थ सामर्थ पाऊंगा दुनिया ही लाऊंगा सामर्थ पाऊंगा दुनिया ही लाऊंगा तेरे नाम ना, से यीशु तेरे नाम पनवेल के सिोर से उल्लास नगर के उस चोर तक पनवेल के

तेरे नाम से पंग दुनिया ही लाएंगे, पंग दुनिया ही लाएंगे। तेरे नाम से मैं योहन तीन सोलह में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया सारी दुनिया से इतना प्रेम किया उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे हालेलुया हमको ग्लोबली सोचने के लिए हमको ग्लोबली प्रार्थना करने का ये बात को याद रखना आप जिस देश के लिए प्रार्थना करेगा प्रभु आपको उस देश में लेके जाएगा कितना लोग प्रार्थना करेंगे हो सकता आप यूपी का है यूपी के नक्शा रखे हर रोज प्रार्थना करो प्रभु आपको यूपी के लिए इस्तेमाल करेगा कितना ग्लोबली प्रेयर एटलीस्ट प्रार्थना तो करो किसी को बोलो प्रार्थना करो आप यूपी से यूपी के लिए प्रार्थना करो नक्शा को रखो घर में यूपी का मैप लो हर रोज हाथ रख के प्रार्थना करो प्रभु जी यूपी के सारे लोग यीशु को जाने यूपी के पाप के लिए मैं वो बच्चे को लेके जाओ डिस्टर्ब हो रहे हो सबको मना रहे है। अब मैं ग्लोबली जाऊंगा हलो लो मेरा जैसे प्रचारक बनाऊंगा उसको वो सुन रहा है किसी को बोलो वचन बच्चे वचन सुन रहे हैं हलो वो बेटी इधर गा रहा था हलो लोहिया प्रभु मुझे दिखाया क्या नाम है बेटी का ब्यूटी खूबसूरत दुनिया भर स्तर के समान राष्ट्रों के लिए आशीष होगा हेलो क्योंकि तीन साल के छह साल के उम्र में मेरा पापा में मुझे लेके जाते थे हेलो हम प्रभु की महिमा करते थे आज वो चीज प्रभु प्रकट कर रहे हैं हलो अपने बच्चों को प्रभु के लिए प्रभु के राज्य के लिए खड़ा करो आप तो आशीष पाएंगे आपके बच्चे आपकी पीढ़ियां आशीष पाएंगे हेलो ओके नीति सॉरी भजन संहिता तो दो उसका सात और आठ भजन संहिता दो सात और आठ और उस वचन का प्रचार उस वचन का प्रचार करूंगा करूंगा जो ने मुझसे कहा है तू मेरा पुत्र है तो उस वचन का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू परमेश्वर का पुत्र है आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है मुझसे मांग मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के तेरी लिए तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा दूंगा देखो इधर दाऊद इधर भजन साहित्यकार कहते हैं मांगू हम मांगते हैं जी नाश्ता दे दे मांगते प्रभु जी डिनर दे दे लंच दे दे उसे आगे आप मांगते ही नहीं आप राष्ट्रों के लिए मांगेगा देशों के लिए मांगेगा देश के लिए नाश्ता देने वाला बन जाएगा भाई अरे कोई सुन रहा मुझे हम मांगते छोटा चीज हलो लोहिया प्रभु कहता कि तुम मांग बड़े चीज क्या लिखा है और एक बार पढ़ो और उस वचन का प्रचार करूंगा उस वचन का प्रचार करूंगा जो युवा ने मुझसे कहा है। जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू मेरा पुत्र है तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ उत्पन्न है मुझसे मांग मुझसे मांग और मैं कितना लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ किसी को डाउट है जो से मतलब मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जिस दिन आप बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है यीशु मसिया है आप परमेश्वर का पुत्र है यौना लिखता है आप जब विश्वास करते हैं यीशु मसीहा है तो आप परमेश्वर का पुत्र है यानी अनेक लोगों के रहस्य पता नहीं पर हमको और आपको पता है इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या कहता जाति जाति के, के लोगों को तेरी संपत्ति होने के तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर किसी के... को बोलो बहुत गहरा चीज छिपा हुआ मेरे पास समय नहीं जाति जाति के लोगों को तेरा संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को दूर दूर के देशों को जो देश तुम जानते तक नहीं उस दूर दूर के देशों को तेरे नीच भूमि बनने, बनने के लिए दूंगा दूंगा ये कैसे होगा भाई जो देश को तुम जानता नहीं जो देश इब्राह्म जहां था और वो कहां लेके गया उस देश को वो जानता नहीं था परमेश्वर की आज्ञाओं को माना परमेश्वर ने उस शहर में लेके गया और उस शहर में परमेश्वर उसे महान व्यक्ति बनाया में कर सकता है कितने अधिक नए वाचे में हम और आप कर सकते बस हमको सिर्फ प्रार्थना करने का है किसी को पूछो आपको कौन सा शहर जाने का है लंदन अमेरिका कौन सा शहर जाने का है? उस शहर का नक्शा लो प्रार्थना करते रहो प्रभु आपको लेके जाएगा कितना लोग विश्वास करेंगे हेलो लोहिया yes! कितनी प्रभु के दासों का गवाही हम सुने हमने वो नक्शा लेके प्रार्थना करने लगा प्रभु मुझे उस देश में ले जाकर इस्तेमाल किए हेलो लोहिया मैं छोटा था तो बहुत सोचते थे मुंबई कब जाएंगे तो सबसे आसान तरीका था लंबू जैसा बनने का है वही के का डायलॉग सीखते थे रही आपको जिधर जाने का है उस देश के बारे में लेके प्रार्थना करो प्रभु आपको उस देश में लेके जाएगा आंख देखा नहीं कान सुना मन में विचार उठानी उस तरह से देखो प्रभु मुझे बिहार में मैं पला पहुंचा जमशेदपुर बोल के छोटी शहर में मैं मुंबई आया कारण क्यों कारण क्यों जब मुंबई आए तो मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था जोर से बोलना आसान नहीं था कोई नहीं था अकेला था पर मैंने क्या किया एक कलिशिया ढूंढा और उस कलिशिया में बना रहा उस कलिशिया को आशीष किया उस कलिशिया में दिन रात मेहनत करते थे काम से ज्यादा मैं कलिशिया में समय निकालता था कारण क्यों मुझे मालूम था मेरी आशीष कलिशिया में है हालेलुया जिस जिस कलिशिया में गया सारी कलिशिया में तीन चार लोगों से पचास अढ़ाई सौ पांच सौ हजार लोग गए कारण क्यों मुझे मालूम था मैं जब आत्मा जीतेगा प्रभु मेरे जीवन में जीत देगा हालेलुया है कोई मेरे साथ अब आपको अगर कोई सपोज आपको कोई नया शहर लेके जाएगा तो आप क्या करेंगे आप गया एक नया शहर क्या करेंगे आप उधर जाकर रोएंगे क्या करेंगे कोई नहीं जानता क्या करूं खाना का क्या होगा घर का क्या होगा सबसे आसान बात उधर सबसे छोटी कलिशिया देखो उस पास्टर के साथ जुड़ जाओ और उसका पास्टर का विजन लेके चलो उसी शहर में प्रभु आपको आशीष करेगा अगर मुझे मुंबई में लाकर प्रभु मुझे आशीष किया है तो आपको भी जिस शहर में लेके जाएगा याद रखना अगर कोई नए शहर में प्रभु लेके गया उधर रोने धोने के लिए और भाग कई लोग नए शहर में जाकर काम करता होता नहीं छोड़ कर भाग जाते हैं मैं जानता हूं मेरे साथ जितने लोग नेरुल में आए कई लोग भाग गए हैं पर इसी शहर में मैं कभी सोचा नहीं टू बी के हॉल घर में रहेंगे मैं कभी सोचा नहीं जबकि मैं ग्यारह ग्यारह नंबर बस में चलता था अपने पाव में भाई अपना घर से मैं घर से मैं घर सॉरी घर से स्टेशन हर रोज दो तीन बार चल के जाते थे हेलो लोहिया उसी जगह पर आज चौथी गाड़ी में चल रहा और कितना गाड़ी आएगा मुझे मालूम नहीं हेलो लोहिया रोई क्यों हुआ क्योंकि मैंने इस शहर में आकर शहर को प्रभु की कदमों में लेके आया जब आप शहर को एक समय था मैं इस शहर से भाग गया था क्यों? मैं सोचा दुबई में पैसा है भाई जब मैं बोलता हूं तो सब हंसता है क्योंकि तो मैं मैं दो दो पेटी लेके गया था कितना पेटी दो साल के बाद वापस आया एक ही पेटी रह गया और मेरे भाई लोग मुझे लेने आए एयरपोर्ट में भाई साहब भाई साहब इसका हुक भी नहीं हम बोला बच के भाग गया ये मैं वापस आए बहुत है भाई क्योंकि प्रभु बोला मैंने तुझे बॉम्बे में आशीष दूंगा हाल लोहिया इसी शहर से प्रभु मुझे आए वो गाना है ना मैं तुझ से प्रभु आशीष ही मैं पाऊंगा शहर से तुझ से प्रभु आशीष ही मैं अगर सपोज सपोज मैं सोचता दुबई में ही पैसा है बोल को उधर ही रहता ना आज भी उधर ही घूमते फिरते रहते थे पर मैं इस शहर में आकर प्रभु जो मकसद रखा उस मकसद के पीछे चला प्रभु ने इसी शहर से मुझे आशीष किया इसी शहर से कल जोर से ताली बजा इसी शहर में शादी हुआ खूबसूरत बीबी मिला इसी शहर में खूबसूरत बच्चे मिले लोहिया जब आप प्रभु की मकसद जान जाएंगे प्रभु आपको पढ़ेंगे उत्पत्ति एक उसके अट्ठाईस हाँ किसी को बोलो ये वचन घोषणा करो आई मीन हेलो लोहिया एक अट्ठाईस और परमेश्वर ने परमेश्वर ने उनको आशीष उनको आशीष दी विल्सन को आशीष दी और उनसे कहा और उनसे कहा फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी में पृथ्वी में भर जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में हर रोज बोलो फूलो फलो और पृथ्वी में बाजे इधर बैठे हुए एक एक, एक व्यक्ति को परमेश्वर फूलेगा फलाएगा और पृथ्वी छोर तक प्रभु आपको लेके जाएगा मुंबई से आपका ऑपरेशन होगा दुनिया भर हलो लोहिया ये तो लोग सुन रहे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं हमें प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट है जो बोलो प्रार्थना वो हथियार है जो शैतान की गढ़ को तोड़ता है आमेन जब हम नेरूल में आया था ये एरिया में पास्टर्स लोग को दौड़ा के मारते थे हालेलुया क्या करते थे दौड़ा के मारते थे कितने पास्टर्स लोग हमारे सामने हमारे सामने जो पास्टर्स लोग थे बड़े-बड़े पास्टर्स को मारते थे हमने सुबह उठकर 10 लोगों को लेकर शहर के सारा मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जितना शहर में तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग लगा के प्रार्थना करते थे आज इन शहरों में कोई उंगली उठा नहीं सकता शैतान की सारी गढ़ को बांध दिया है, हाललुया। है। क्या लोग सुन रहे मैं किसी से बात कर रहा हूं? भागो मत, उसी शहर में प्रभु आपको आशीष करना चाहता है प्रभु आपको नेरुल में रखा है नेरुल से ही आपकी आशीष आए है हमको फॉरेन फंड नहीं हमको नेरुल की फंड चाहिए हालेलुया

तू करेगा सुरक्षा मेरी तू करेगा सुरक्षा मेरी इस शहर से तुझे तुझे से प्रभु तू पैन अगर प्रार्थना इंपॉर्टेंट है हमको प्रार्थना करने का अमेन हर रोज प्रार्थना करने के प्रभु जी मुझे नया व्यक्ति दे ताकि मैं तेरी महिमा को प्रचार कर सकू हर रोज नए व्यक्ति को ढूंढूं जो यीशु को नहीं जानता उसे बताओ आपकी प्रार्थना उन व्यक्तियों को आपके पास प्रभु आपको धैर्य देगा मैन इन दिनों में लोग घबराए हुए विश्वासी लोग सो रहे हैं और प्रभु भी आके जाएगा तो वो सोते रहेगा लोग बोल रहे मैं सो रहा नहीं मैं जागृत हूं मैं जागृति के लिए प्रार्थना करता हूं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेज चाहिए है धैर्य चाहिए डरपोक नहीं है हम प्रभु हमें मिशन और कमीशन दिया है हमको करने का है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करेंगे जिसका दिल पत्थर है ताकि प्रभु उनके मांस वाला दिल बनाए और जब आप शेयर करेगा वो पक्का यीशु को स्वीकार करेंगे हालेलुया प्रार्थना में सामर्थ्य Amen. हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी शहरों में मजदूर नहीं है प्रभु जी मजदूर को भेजिए जो शहर जो गांव यीशु को नहीं जानते प्रभु जी तू मजदूर भेजिए हमारी प्रार्थना प्रभु उन शहरों में उन गांवों में प्रभु मजदूर को भेजेंगे हलो जब आप प्रार्थना करता है आप परमेश्वर के साथ पार्टनर बन जाते हैं हेलो लोहिया परमेश्वर के साथ और जिस देश के लिए आप प्रार्थना करते हैं वो देश के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं और आपको प्रभु इस्तेमाल करेंगे हो तो सकता है आपके पैसे के द्वारा या व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा इसलिए प्रार्थना करो किसी को बोलो प्रार्थना करो शहरों के लिए देशों के लिए गांव के लिए आप जिस गांव से आए उस गांव के लिए प्रार्थना करो उस गांव में प्रभु आपको ले जाके इस्तेमाल करेगा हेलो लोहिया हमको लोकली नहीं ग्लोबली सोचने का है कितना लोग सोचेंगे बड़ा सोचेंगे जोश बोलो छोटा सोचना बंद अब बड़ा सोचेंगे क्या जोश बोलो छोटा सोचना बड़ा सोचना आप नाश्ता के लिए नहीं सोचेंगे सब लोग को नाश्ता खिलाने के लिए सोचेंगे जब आप वो सोचेगा आपका नाश्ता टिप्स में आ जाएगा जोश जो बोलो ना क्या आ जाएगा टिप्स में आ जाएगा पर हम खाली नाश्ता के लिए प्रार्थना करेगा वो नाश्ता भी नहीं मिलेगा कोई मुझे। ओके। दूसरा बात हमने क्या कहा? हम स्थानीय हम ग्लोबली सोचेंगे तीसरा हम अनंतकालिक सोचेंगे चला के बोलो अनंतकालिक जोश से बोलो आनंदकालिक प्रेरित पॉलोस कहता है दूसरा कोलंती चार उसकी अठारह दूसरा कोरंती और चार उसके अठारह और हम तो हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं देखे हुए वस्तुओं को नहीं परंतु परंतु अनदेखी वस्तु अनदेखी को, वस्तुओं को देखते रहते हैं हमें हमेशा देखी हुई वस्तुएं टेम्पररी है, है भाई घर में जो लड़ाई दिखता है वो टेम्पररी है उसमें मत देखो उसमें मत भरोसा करो अनदेखी क्या अनदेखी यीशु मसीह शांति का राजकुमार आप देखेगा वो शांति का राजकुमार आपके घर घर में में आएगा आपका शांति से भर जाएंगे जेब में पैसा नहीं है मत देखो देखी वाला बात है है देखो आपकी जेब में हजारों पांच सौ का नोट है दो हजार का नोट बंद हो गया मत देखना भाई गलती से भी आएगा तो दे नहीं पाएगा जो बातें दिखता है उसे मत देखो जो बातें नहीं दिखता है उसे देखो इधर बैठ के आपके घर में चूल्हा चूल्हा में दूध रखा है वो गिर रहा देख सकता है कितने लोग इधर आके देखता है भाई मैं कहीं चूल्हा में दूध रख के तो नहीं बस तीन घंटा सोच रहे कहीं मैं लॉक में चाबी छोड़ के तो नहीं आया इधर बैठ के देख रहे है लोहिया हम देख सकते हैं हम जा रहे हैं अमेरिका में जाके प्रचार कर रहे हैं हम जा रहे यूपी में जाके प्रचार कर रहे हैं मैं कभी सोचा नहीं यूपी जाएगा यूपी में गया हजारों लोगों से प्रचार गुजरात में गया अब हलो जब आप उस जगह को लेकर प्रार्थना करेगा प्रभु उस जगह में कार्य करेगा और आपको इस्तेमाल करेगा उस जगह के लिए कितना लोग प्रार्थना करेंगे इंडिया का नक्शा लो इंडिया के जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक बंगाल से लेके गुजरात तक नागालैंड बर्मा नेपाल बांग्लादेश देखे प्रार्थना करो प्रभु उन राज्यों में एचपीआई जाएंगे और चंगाई की शामद प्रकट करेंगे लोहिया रही क्या लिखा है प्रेरित मानुस कहता है अंधे की देखी हुई बातों को पर और हम तो हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु परंतु अनदेखी वस्तु को अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं देखते रहते हैं क्योंकि क्योंकि देखी हुई वस्तुएं देखी हुई दिख रहा हुआ वस्तुएं थोड़े ही दिन की है थोड़े ही दिन के हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है सदा बनी रहती स्वर्ग अनदेखी आनंद कालिक है वो सर्वदा बना रहे दिखने वाला एक दिन नष्ट हो जाएगा कितना लोग समझ रहे कितना लोग आज से दस पॉइंट लिखेंगे दिखने वाला और नहीं दिखने वाला अगला हफ्ता तो मैं पूछेगा दिखने वाला दस चीज और ना दिखने वाला दस चीज अबेन जब आप वो सोचेगा वचन कहता है अनदेखी बातों को देखेगा जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा बोलेगा तो प्रभु आपके जीवन में करेगा हलो लोहिया लोग सुन रहे मैन हाँ और एक बार पढ़ो और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को, को देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं, देखी हुई वस्तुएं, थोड़े ही दिन की है थोड़े ही दिन के हैं, परंतु परंतु अनदेखी वस्तुएं, अनदेखी देखो आज प्रभु का मेज लिया वो अनदेखी प्रमाणों को चीजों को प्रकट करेगा आपको मालूम है स्वर्ग में यीशु का लहू ताजगी से रहेगा स्वर्ग में यीशु का लहू आपका आपको गवाही देगा जो जितना आज के लहू को इस्तेमाल करेगा उस दिन की लहू गवाई देगा की शरीर इंपॉर्टेंट है Amen? वो अनदेखी बातों को प्रकट करेगा आ? परंतु अनदेखी वस्तु ए, सदा बनी रहती है सदा बनी रहती है अनदेखी बाइबल स्वर्ग में है भाई इधर आप जितना बाइबल घोषणा करेगा आमेन दिखने वाले बातों को हटाकर प्रभु अनदेखी बातों को प्रकट करने लगेगा कितना लोग चाहिए अनदेखी बातें जो बातें है नहीं जो बातें हुआ नहीं वो बातें आपके जीवन में पूरा होगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केदा लक्ष्मण द लुक नाउ उसका ब्यासेट 62 यीशु मसीह कहता है लूका के सुसमाचार 9 ब्यास 62 हां यीशु ने उससे कहा यीशु ने उनसे कहा जो कोई अपना हाथ आ, हल पर रखकर हल पर रखकर पीछे देखता है पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हमें जो यीशु मसीह को पकड़कर पीछे हटते हैं वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं जो से बोलो हमारा पांचवा मुद्दा है मैं यीशु में चालू किया मैं यीशु में खत्म करूंगा अवैन कितना जगह यीशु परमेश्वर का वचन कहता है ये व्यक्ति अच्छा होता है यीशु को नहीं जानते हलो लोहिया पर आप आराम यशु को जान गए हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु धन्यवाद ये आपके लिए सबसे उत्तम चुनाव है जो यीशु को चुना है वो अपने जीवन के उत्तम चुनाव किया है हेलो यीशु मसीह कहता है मती छे उसका उन्नीस से इक्कीस मती छे उन्नीस सौ इक्कीस अपने लिए अपने लिए पृथ्वी पर पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहा कीड़ा जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और, और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ जहाँ चोर सेंध लगाते हैं जितना भी है पैसा कोई भी बैंक में डाल दो कोई बैंक श्योर नहीं है भाई कोई भी बैंक आपका पैसा लेके भाग सकता है। इसमें प्रभु का वचन कहता है क्या लिखा है अपने लिए अपने लिए पृथ्वी पर पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और काई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं चोर सेंध लगाता है और चुराते हैं और चुराते हैं पर परंतु अपने लिए अपने लिए स्वर्ग में स्वर्ग में धन इकट्ठा करो धन इकट्ठा करो कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे भाई? ना? सारूठान। जो व्यक्ति दशवान सारूठान उठान देता है वह स्वर्ग में अकाउंट खोल दिया ये मैं नहीं प्रभु का वचन कहता है लोहिया जब मैं ये सिद्धांत को सीखा ना मेरी जिंदगी बदल गई बारिश होने लगा हलो क्योंकि मैं जब उठान देता हूं मैं स्वर्ग में अकाउंट खोलता हूं उधर चोर चोरी कर सकता है कीड़ा आ ही नहीं सकता भाई कीड़ा मकोड़ा नरक में है भाई स्वर्ग में नहीं है हेलो लोहिया कितना लोग सुन रहे अमेन मैं स्वर्ग में अकाउंट खोलता हूं जब मैं दशवांश और उठान देते प्रभु के राज में बोते हैं ये प्रभु का बार पढ़ो भाई किसी को बोलो आशीष चाहिए पैसे के मामले में कई लोग आते हैं बोलते जी प्रार्थना करो ना मुझे पैसा चाहिए मुझे पैसा आने का आता नहीं है पगार देते नहीं है मैं पूछता हूँ क्या आप दशवांश देते नो कई साल पहले जब मैं काम कर रहा था हमें मेरा एक कंपनी में पगार मिलने वाला था नहीं मिल रहा था अबे मैं जाके प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी मेरा पगार नहीं दे रहा मैं महीनों भर काम किया हुआ नहीं प्रभु बोला तुमने दशवांश दिया मैं उस समय दशवांश नहीं दिया था मैंने लिख के पेपर में ऑफरिंग में डाला मैं जैसा पैसा आएगा ये दशवांश डालूंगा आपको मालूम है अगला हफ्ता कंपनी को जबरदस्ती मेरा चेक रिलीज करना पड़ा हाल लोहिया कितना लोग सुन रहे हैं Then, एक व्यक्ति आया छह महीने से उसको काम नहीं महीने से काम नहीं बोले पास्टर जी पिछले छह महीने से मैं परेशान हूं काम नहीं पास्टर नहीं था मैं ब्रदर था एक में जाता था मैं उसको बोला मैं एक बात बोलता हूं सुनो मैं भी क्या हूं तू करेगा आशीष पाएगा बोला पक्का करेगा मैं बोला तुमको जो पहला तनखा आएगा वो पहला तनखा परमेश्वर का पहला फल है तुम उसे डालना जितना भी हो पचीस हजार पच्चीस हजार तो पच्चीस हजार करने के लिए तैयार है और उसके बाद जो भी होता, दो, वो देने लगा, दशवा मैं प्रार्थना करके भेजा पंद्रह दिन में उसको नौकरी मिलता है और ठीक पच्चीस हजार हेलो लोहिया और वो पहला जब तनखा आया और मुझे आके बोला मैंने कलिशिया में अपना पहला तनका तो डाल दिया मालूम है आज तक वो व्यक्ति अपने अपनी जीवन में पैसे के लिए कभी रोना नहीं पड़ा क्योंकि तो ये प्रभु के सिद्धांत प्रिंसिपल है भाई जो जो बोएगा वो काटेगा किसान बोता है वो कटनी काटता है कोई कोई किसान चार महीने में काटेगा कोई कोई आम का गुटली बोएगा तो दस साल के बाद पर काटेगा भाई आम का गुटली में जिंदगी भर फल आएगा हेलो इसलिए किसी को बोलो बीज बोते रहो कहीं ना कहीं फल आने वाला है जब मैं हूं, मैं उठान देता स्वर्ग में अकाउंट खोल दिया है। और उधर कोई चोर कीड़े मकोड़े खा नहीं पाएगा हेलो वो मेरी यहां शीशे भाई चिल्ला के बोलो मेरी यहां शिष्य ओके पढ़ा 19 के अपने लिए अपने लिए पृथ्वी पर पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो धन इकट्ठा न करो कीड़ा जा कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और काई बिगाड़ते हैं जहाँ जहाँ चोर सेंध लगाते हैं चोर सेंध लगाते हैं और है? चुराते हैं अमेर चुराते हैं परंतु परंतु अपने, अपने लिए अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा स्वर्ग करो। में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो जहाँ न तो कीड़ा कीड़ा, कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं काई बिगाड़ते हैं और जहाँ जहाँ चोर सेंध नहीं लगाते सेंध नहीं लगाते चोर चोरी नहीं करते और न चुराते हैं और न चुराते हैं क्योंकि क्योंकि जहाँ तेरा धन है जहाँ तेरा धन है वहाँ वहाँ तेरा मन, भी वहां तेरा मन है। लगा रहेगा लगा रहेगा अगर कलिशिया में डालता है आपका मन कलिशिया में अगर आपका मन कलिशिया में, तो प्रभु का मन आप पे है। प्रभु इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आकाश की जरोकों को खोलकर मैं अपरम पर आशीष करता हूं कि नहीं तू मुझे इसमें परख कर देख हेलो प्रभु और कहीं परखने नहीं बोला पैसे के मामले में जब आप बोता है मैं सातवीं कक्षा में था तब से बोने लगा अलो मेरा खुदा मुझे आशीष किया बोने वाला हर व्यक्ति कटनी काटेगा हलो लोहिया लू का सोलह उसका नाव लूक सोलह उसका नाम और मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अधर्म की धन से अपने लिए अपने लिए मित्र मित्र बना लो मित्र बना बना लो लो ताकि जब ऐसे से धर्म के दोस्तों को मित्र बनाओ ताकि जब वह जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लेन हेलो जब जब मर के चले जाएंगे वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा इसलिए एक व्यक्ति जब आत्मा जीतता है वो पुरस्कार आनंदो तो लो कितने लोग आज से आत्मा जीतेंगे हेलो लोहिया आप पैसे के द्वारा मुझे याद है एक व्यक्ति हमेशा गाली देता था हमें 24 घंटा गाली देता है जब भी जाओ उसके मुंह से गाली निकलता है उसको मैं ले जाकर होटल में खिलाया समोसा मसाला डोसा इडली सांबार वड़ा सांबार वो खाते खाते एक घंटा में उसे प्रचार किया वो व्यक्ति यीशु को स्वीकार किया और उसके बाद कलीसिया में जुड़ा और फिर हमेशा कलीसिया में बना रहा है कारण क्यों मैंने क्या किया अपना पैसा से उसे प्रभु के राज्य के लिए जीता जो व्यक्ति उधर लिखा है क्या लिखा है हाँ। और मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अधर्म के धन ये पैसा कितना कितना झूठ कितना इवन कोई कोई नोट में लोगों का खून है उस लोहिया जब आप पवित्रता के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं वो अपवित्र अधर्म के धन परमेश्वर पवित्र धन बनाता है हलो इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूँ मैं सौ टका श्रापित होने से अच्छा है मैं नब्बे टका आशीषित पाऊं वापस बोलता सौ टका श्रापित होने से अच्छा है मैं नब्बे टका जब मैं दस टका प्रभु के राज में बोता है परमेश्वर मेरा नब्बे टका को पवित्र करता है और जब परमेश्वर पवित्र करता है वो उसे मल्टीप्लाई भी करता है हालेलुया है कोई मैं मत उन्नीस उसका बीस से पढ़ेंगे मत उन्नीस बीस मत्ती उन्नीस बीस उस जवान ने उससे कहा आ, जवान ने उससे कहा इन सब को सबको तो मैंने माना है आ, ये जवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं मैं सब कुछ करता हूं मैं दशवा देता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ सब कुछ मैं मानता हूँ अब मुझ में किस बात की घटी है अब मुझ में किस बात की घटी है यीशु ने उससे कहा यीशु ने उस जवान पैसा वाला जवान से कहा यदि तू यदि तू सिद्ध होना चाहता है सिद्ध होना चाहता है तो जा जा अपना माल बेचकर अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे कंगालों को दे और तुझे और तू छे स्वर्ग में धन मिलेगा स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर और आकर मेरे पीछे हो ले और मेरे पीछे हो ले परंतु परंतु वह जवान वह जवान यह बात सुनकर यह बात सुनकर उदास होकर चला गया यीशु मसीह उसे बोलता मैं सब कुछ करता हूँ यीशु मसीह बोला एक ही चीज जो कुछ है तू बेच के कंगालों को दे दे स्वर्ग में तेरा धन होगा मेरी सवाल अगर वो बेचकर येसु के पीछे आता है प्रभु यीशु मसीह उसको दुगुना देता कि नहीं देता पर उसने अपनी समझ का इस्तेमाल करके वापस ही नहीं आया उस व्यक्ति ने हो सकता कंगाले हो गया होगा लोहिया उन्तीसवा वाक्य पढ़ेंगे उनतीसवा वाक्य और जिस किसी ने हाँ, जिस किसी ने घरों घरों या भाइयों और भाइयों या बहनों और बहनों या पिता या पिता या माता या माता या लड़के वालों को हाँ, या खेतों को हाँ, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको उसको सौ गुना, मिले गुना मिलेगा कितना गुना मिलेगा और हम लोग पहले बार में प्रभु को छोड़ देते हैं और हम जब प्रभु को पकड़े रहेगा वो जो लोग गया था जो आप खोया था प्रभु आपको सौ गुना देगा भाई हेलो मेरा प्रभु गुणवंत करने वाला है हेलो ये है आनंदकालिक सोच कितना लोग सोचेंगे इस सोच में धरती में भी आशीष है स्वर्ग में भी आशीष है भाई। लोहिया ओके तीन बातों को मैंने बताया कितना लोग को याद है पहला सच्चा चेला यशु जैसा सोचता है दूसरा वो स्थानीय नहीं, ग्लोबली सोचेंगे तीसरा वो अनंकालिक सोचेंगे ओके? Okay? चौथा, I mean, बहाना से असलियत कैसे लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए क्रिएटिव माइंड के लिए प्रभु से मांगेंगे हेलो लोहिया कहता लोग सुन रहे अमेन बहाना से परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए अपनी सोच को बहाना से हटाकर परमेश्वर की नयापन में प्रवेश करेंगे अगर आप सोचता है मैं एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताऊंगा तो प्रभु आपको नया आइडिया देगा नया धैर्य देगा नया ज्ञान देंगे बुद्धि देंगे आत्मा का फरक देंगे कितने बार मेरे जीवन में एक व्यक्ति से मिला तुरंत उसके घर में जो चलता है प्रभु मेरे मुंह में डालता है और वो व्यक्ति इमीडिएटली यीशु को पकड़ लेता है कैसा हुआ प्रभु मुझे क्रिएटिव जब मैं प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु मुझे क्रिएटिव आइडियाज देता है क्रिएटिव बोलेगा तो नयापन जो अब तक नहीं हुआ वो बातों को प्रभु देता है यर्मिया की किताब एक उसका छ और आठ यर्मिया की किताब एक उसका छह और आठ मैं जल्दी से कुछ बातों को बोलकर खत्म करने वाला कितना लोग तैयार है तब मैंने कहा तब मैंने कहा हाय प्रभु यर्मिया कहता है, हाय प्रभु यहोवा। यहोबा देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही मैं हूं। लड़का ही हूँ अनेक बार हम एक्सक्यूज करते मैं छोटा हूँ मैं खोटा हूँ मैं फलाना हूँ मैं ढुमकाना हूँ हेलो प्रभु बोलता है तू तो मत कह कि बालक है हाँ तो उन परंतु यहोवा ने मुझसे कहा परंतु यहोवा ने परमेश्वर ने मुझसे कहा मत कह मत कह कि मैं लड़का हूँ मैं लड़का हूँ क्योंकि जिस किसी के पास जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू आपको जब प्रभु भेजता है या कोई व्यक्ति आपके पास आता है वो प्रभु भेजा है तो और जो कुछ मैं तुझे आज आज्ञा दूंगा मैं जो कुछ तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा वही तू कहेगा अगर प्रभु भेजा है तो आपके मुंह खोलेगा तो प्रभु जो चाहता है बोलेगा और वो व्यक्ति सुनेगा क्योंकि उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को वो शब्द इंपॉर्टेंट इसलिए आपके मुंह से वो शब्द प्रभु निकाला है और एक बार पढ़ो किसी को बोल रहे है? सुन रहे है? तब मैंने कहा तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा हाय प्रभु यहोवा देख मैं तो मैं तो बोलना ही नहीं जानता बोलना ही नहीं जानता एक्सक्यूज मत बना क्योंकि मैं लड़का ही हूँ क्योंकि मैं लड़का ही हूँ परंतु यहोवा ने मुझसे कहा परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा मत कह मत कह कि मैं लड़का हूँ म... मैं लड़का हूँ क्योंकि क्योंकि जिस किसी के पास जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू तुझे भेजू वह तू जाएगा वह तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आ गया दूंगा जो कुछ मैं तुझे आ गया दूंगा वही तू कहेगा वही तू कहेगा परमेश्वर अगर मेजता है वो मुझे मुंह में बोली भी देगा और जब वो बोली बोलेगा वो व्यक्ति पक्का आपकी बातों को सुनेगा और आप संडे आने बोलेगा तो संडे पक्का आएगा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कई बार हम एक्सक्यूज बनाते हैं किसी को स्पेशली नो सबको प्रभु स्पेशली बुलाया है प्रभु बुलाया है प्रभु कॉल किया है प्रभु के राज्य के लिए प्रभु के राज्य के लिए, लिए इस्तेमाल होने के लिए आमीन हालेलुया वो कोई फीलिंग्स नहीं है प्रभु आपके ऊपर सामत रखा है जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आएगा मैं सामत पाऊंगा मैं यरूशलेम में मैं यहूदिया में मैं समरिया में दुनिया की छोर तक मैं गवाह बनूंगा हलो लोहिया किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने सबको बोला है सब उसके अच्छे चेले है जोर से बोलो मैं अच्छा चेला हूं हेलो हमें परमेश्वर बुलाया है उसकी मकसदों को पूरा करने के लिए क्या है मकसद उसकी आराधना करने का है दूसरा उसके साथ संगति करने का संडे हर मीटिंग में आने का है वो संगति तीसरा परमेश्वर यीशु मसीह जैसा बनने का है, चौथा परमेश्वर की सेवा करने का कलिश की सेवा करने का है, लोगों की सेवा करने का परमेश्वर के लोगों को पांचवा हलो परमेश्वर हमें मिशन दिया इस वर्ल्ड में उस मिशन को हमको पूरा करने का कहता लोग सुन रहे ये हमारा मकसद है जो व्यक्ति इस मकसद में घुस जाएगा वो पक्का उसका परिवार उसके बच्चे सब कुछ आशीष पाएगा वो छुएगा सोना बन जाएगा भाई आई दुनिया वाला प्रभु का वचन लेके बोलते हैं। हम प्रभु का वचन लेके हम इस्तेमाल नहीं करते कितना लोग मैं जो छुएगा सोना बन जाएगा मैं अपना घर का टैप खोलेगा तो पांच का नोट निकलेगा भाई दुनिया वाला बोलेगा पागल है पर मैं बोलता हूं मेरा यीशु महान है भाई हम जो बोलेगा वो प्रभु होगा वचन के मुताबिक हम बोलेंगे आकाश हिल जाएंगे धरती ठल जाएंगे मेरा वचन कभी नहीं ठलेगा हेलो लोहिया भाई सलो कितना लोग सुन रहे हैं आपका पांच मकसद को मैं बताया कितने लोग बोलेंगे पहला आराधना करेंगे हर रोज करो चलते वक्त करो बस में बैठा करो ट्रेन में पकड़ के हिल रहा है धक्का मार रहा है गाना गाओ चिला के गाने का गाओ। कोई मारेगा तो कोई बात नहीं मन में गाने का गाओ पर प्रभु की आराधना करो प्रभु की जब महिमा करता है प्रभु आपको उठाएगा हलो संगति में बने रहो हर संडे आओ जूम में आओ हलो लोहिया मध्यस्थ प्रार्थना में आओ जितना मीटिंग अटेंड करेगा आप जो मीटिंग हर मीटिंग अटेंड कर तो वह पक्का आशीष पाता है बंटी को देखो कितना हो गया भाई एक साल हो गया एक साल वो कोई भी मीटिंग मिस नहीं करता जूम में जबकि उसको काम नहीं है अरे भाई बेकरी दो दो बेकरी चला रहा है यार समझ रहे इसी में आशीष है भाई और लोग ये छोड़ के रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते रहते खुद जिंदगी भर हाँपते रहेंगे ए, किसी को बोलो हाँपने के लिए नहीं प्रभु की महिमा करके पैसा कमाने के लिए बनाया है जोर से बोलो ना प्रभु की महिमा करेंगे हम पैसा कमाएं। प्रभु आपको एक आइडिया देगा वो काफी है हलोलोला परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है किसको इस्तेमाल करना चाहे? जो प्रभु के लिए उपलब्ध है और अनेक लोग बिजी है पासे जी, मैं बहुत बिजी हूँ ए बिजी वाला को, को प्रभु साइड कर देगा जो उपलब्ध है प्रभु उसे इस्तेमाल करेगा कितना लोग बोलता है मैं उपलब्ध हूं हलोलोई उसे प्रभु इस्तेमाल करेगा हेलो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रमुख प्रभु का पवित्र वचन घोषणा करने के लिए लॉर्ड अनेक विश्वासी परमेश्वर की मार्ग को मिस करते मार्ग को मिस करते मतलब समझ परमेश्वर रखा हुआ बड़े का मिस करते क्योंकि वो परमेश्वर से पूछता नहीं प्रभु जी आज आप मेरे लिए क्या रखा है मैं क्या करूं जिसके द्वारा आप मुझे इस्तेमाल करें हर रोज प्रभु से पूछो यश मसीह बोला मैं तुझे अकेला नहीं मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा तेरी मदद के लिए एक मददकार को भेजता हूं वो है पवित्र आत्मा कितना लोग आज से पवित्र आत्मा की मदद लेंगे हेलो सीरियसली आपको प्रे करने का है परमेश्वर से पूछने का है ये साल प्रभु जी आप मेरे लिए क्या रखा है हमने पांच बातों को बताया कितने लोग उसमें घुसेंगे जब वो पांच बातों में आप घुसेगा ये साल आपकी पक्का आशीष में होगा अनेकों के आप खुद तो आशीष पाएगा आप अनेकों के लिए आशीष बनेगा हलो लोहिया आपको यीशु मसीह जैसा बनने का है तो यीशु मसीह जैसा दिल होने का है जो दुनिया के लिए एक भेड़ भटक गया था वो भटका हुआ भेड़ के पीछे गया जब प्रभु का दिल आपके अंदर है आप दुनिया को सबको यीशु का नाम बताकर यीशु की महिमा करेंगे मरको साठ उसका पैंतीस से अट्ठाइस पढ़ के हम खत्म करेंगे मरको साठ मरको साठ पैंतीस से अड़तीस क्योंकि जो कोई आ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जो कोई अपना प्राण बचाना चाह वह उसे खोएगा वह उसे खोएगा पर जो कोई जो कोई मेरे और मेरे 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 और सुसमाचार के लिए मेरे यानी कि यीशु मसीह और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा अपनी प्राण दे देंगे वह उसे बचाएगा वह उसे बचाएगा यदि मनुष्य यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ परमेश्वर का वचन कहते है यदि मनुष्य सारी जगत को सारी संपत्ति को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की अपनी प्राण को हानि उठाए हानि उठाए बचा नहीं पाए यीशु के लिए लगाए नहीं तो उसे क्या लाभ होगा तो उसे क्या लाभ होगा और मनुष्य और मनुष्य अपने प्राण के बदले और प्राण के बदले क्या देगा क्या देगा जो कोई हाँ? इस व्यभिचारी हाँ? और पापी जाति के बीच वे और पापी जातियों के बीच मुझसे मुझसे और मेरी बातों से और मेरी बातों से लजाएगा ना, लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह भी, जब वह पवित्र दूतों के साथ पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी तब उससे भी लजाएगा बदला जाएगा और जब उस दिन यीशु मसीह आपके नाम ले लेने के लिए लग जाएगा तो सोचो आपका जीवन कैसा होगा पर उस दिन आपका नाम यीशु मसीह लेने के लिए गौरव करेगा घमंड करेगा तो आपका कितना महिमा वाला जीवन तय यह धरती में आज की रात मैं आपको सोच में डालना चाहता हूं आप क्या करते हैं हर रोज क्या आप प्रभु को खुश करने वाला है या आप दुनिया को खुश करने वाला है, दुनिया को खुश करने वाला एक दिन वही दुनिया लात मार देंगे पर आप प्रभु को खुश करेगा वो तो आनंद काल आपको सबाशी और पुरस्कार देगा हाल लोहिया